अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे रोप किस तरह बनाते हैं। सो सबसे पहले हम टाइटल टाइप कर लेते हैं, टाइप टूल लेंगे उसके लिए, हाउ टू मेक रोप, को हम बोल्ड कर देंगे और सेंटर अलाइन करके टॉप पर ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसमें हमारे पास दो रेक्टेंगल टूल होते हैं। ठीक है, एक बिल्कुल जिसके कॉर्नर शार्प होते हैं और एक होते हैं हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल जिसके कॉर्नर हमारे पास राउंडेड होते हैं। सो हम शार्प वाला रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, और एक साइज़ हम बना लेते हैं। साइज़ बनाने के बाद अब हम इसका फिल ऑफ कर देते हैं और इसका स्ट्रोक हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रोक 4 पॉइंट्स रख लेते हैं या 3 पॉइंट्स सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ। ज़ूम करने के बाद अब मैं इसके जो 2 पॉइंट्स हैं, मैं सबसे पहले इसको डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी ब्लैंक एरिया में आप सेलेक्शन लेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कि इसके हमारे पास 4 कॉर्नर्स हैं जो कि शार्प हैं। ठीक है, हम स्ट्रोक यहाँ से ऑन करेंगे। अगर आपके पास स्ट्रोक यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप विंडोज़ में आके यहाँ से स्ट्रोक ऑन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक ऑन करने के बाद अब हम हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिएगा इसका जो कैप है वो भी फर्स्ट वाला बट कैप जो है वो हमारा सेलेक्ट है। इसका जो कॉर्नर है फर्स्ट वाला कॉर्नर सेलेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो अलाइन स्ट्रोक है ये भी हमारे पास फर्स्ट वाला सेलेक्ट है। ठीक है, अलाइन स्ट्रोक। अब ये देखिए कि जो हमारा स्ट्रोक है ये सेंटर में है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो ये देखिए एज पे आ गए, ब्लू लाइन जो सेलेक्शन की शो हो रही वो अब एज पे आ गए। ठीक है, और अगर मैं लास्ट वाले को सेलेक्ट करूँगा तो ये आउटसाइड मतलब अंदर की तरफ सेलेक्शन शो होगी और इसकी स्ट्रोक जो है बाहर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा, मैं जस्ट आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी हमारे पास सेंटर वाला रहेगा। ठीक है, स्ट्रोक। अच्छा, हमने अब डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेना है। ठीक है, उससे हमने ये पॉइंट सेलेक्ट करना है एंड ये वाला शिफ्ट प्रेस करके ये 2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट करने हैं। इसको मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो अब देखिए यहाँ कॉर्नर्स पे हमारे पास यह राउंड शो हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा सर्कल शो हो रहा है ब्लू कलर का ये वाला। ठीक है, इसके बाद मैं जैसे ही माउस को कर्सर लेके आ रहा हूँ यहाँ से हम इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ऊपर से मतलब क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक है, और इसको बिल्कुल नीचे तक ले आएंगे, जितना पॉसिबल है उतना हम इसे नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर पे ले आया हूँ। अब आपको ये कॉर्नर्स पर रेड कलर की लाइन शो हो रही है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे है तो आपने यहाँ सिलेक्शन इसकी नहीं छोड़नी, आपने इसकी सिलेक्शन बिल्कुल नीचे तक इसको ड्रैग करना है। हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो इसमें आपको ये रेड कलर के 2 कर्व्स भी शो हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इस माउस का बटन रिलीज़ कर देना है। मैंने अभी तक माउस का बटन होल्ड किया हुआ है, आपके पास नीचे बॉटम में कीज़ इंडिकेटर में भी शो हो रहा है। ठीक है, कि लेफ़्ट क्लिक होल्ड है। सो अगर मैं इसको रिलीज़ कर दूँगा वहाँ से होल्ड रिलीज़ हो गया। ठीक है, अब हम जूम आउट करेंगे और इसकी एक बल्कि इससे पहले हम इसको 45 डिग्री पर रोटेट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से ई प्रेस करेंगे। ई प्रेस करने से हमारे पास ये जो रोटेट टूल है ये होगा और यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ है, मैं जैसे ही कर्व करता जा रहा हूँ आपको वैल्यूज़ शो हो रही है। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके कर दूँगा तो डायरेक्टली 45 डिग्री पे ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अंडू करके आपको अगर आप डिग्री मतलब पुट करना चाहते हैं कोई सेलेक्टेड डिग्री है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म ईच। ठीक है, प्रीव्यू यहाँ से ऑन कीजिएगा, ये एंगल शो हो रहा है। ठीक है, एंगल पे सिंपल 45 डिग्री लिखिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास 45 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका प्रीव्यू लाइन आउटलाइन मोड ऑन करेंगे, कंट्रोल वाई। ठीक है, कंट्रोल वाई और क्लिक करने के बाद हम इसे जूम इन करेंगे और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे और इसके बिल्कुल बराबर में मतलब इसके साथ बिल्कुल ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, मैंने फिर जूम आउट किया और कंट्रोल वाई अगेन प्रेस किया। ठीक है, ताकि प्रीव्यू मोड इसका आउटलाइन मोड जो है इसका ऑफ हो जाए। अब ये इसका प्रीव्यू मोड है। ठीक है, बल्कि दोबारा हम जाएंगे आउटलाइन मोड पे, कंट्रोल वाई। आउटलाइन मोड के लिए आप आना चाहे तो यहाँ से भी व्यू में आएंगे और व्यू में फर्स्ट वाला ऑप्शन है आउटलाइन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आउटलाइन मोड इसका आ गया। ठीक है, अब हम रेक्टेंगल लेंगे
और रेक्टेंगल लेने के बाद अब ये देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही आ रहा हूँ ये पिंक लाइन आपको शो हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पिंक लाइन, ये क्यों शो हो रही है, क्योंकि हमने स्मार्ट गाइड ऑन किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं स्मार्ट गाइड को यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ, अब मेरे पास कोई लाइन कोई कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये करने से पहले हमेशा स्मार्ट गाइड ऑन रखिएगा, ठीक है। कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है और यहाँ से भी आप स्मार्ट गाइड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना लेंगे हम, ठीक है। हमने रेक्टेंगल बना लिया। अच्छा, रेक्टेंगल अगर आप प्रोफेशनली बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और शिफ्ट का बटन मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं अगर प्रोपोर्शनली बना रहा हूँ तो ये देखिए ये इसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं हो रही, ठीक है। तो इसके लिए हमें अब ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है ये वाला, हम सेंटर पॉइंट पे आके ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और शिफ्ट का बटन, अब ये देखिए प्रोपोर्शनली बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुका है। अब हम इसका जो आउटलाइन मोड है उसे ऑफ करेंगे, व्यू में आएंगे और जीपीयू या प्रीव्यू, ठीक है। उसके बाद हम सिलेक्शन टूल लेंगे और इन सब को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हमारा पास है क्लिपिंग मास्क, ठीक है, और यहाँ से मेक पे क्लिक कर देंगे। ये अब हमारा पास एक मास्क बन चुका है। मास्क बनाने के बाद हम इसको सेलेक्ट रखेंगे और फिर हम आएंगे ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, एक्सपेंड में दोनों पे चेक लगा के रखना है और ओके करना है सिंपल, ठीक है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम आएंगे पाथ फाइंडर में। पाथ फाइंडर में हमारे पास यहाँ ऑप्शन है एक मर्ज का, ठीक है। अगर पाथ फाइंडर यहाँ शो नहीं हो रहा सो आप विंडोज़ में आइए और विंडोज़ में आपके पास यहाँ शो होगा पाथ फाइंडर, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ये यहाँ से फिर हम इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्ज करने के बाद जो इसकी सिलेक्शन होती है वो सिलेक्शन क्लोज हो जाती है, मतलब ओवर एरिया इसमें जो ओवरलैप एरिया होता है वो शो नहीं होता। अगर मैं अंडू करके देखूँ तो अभी देखिए ऊपर की भी सिलेक्शन शो हो रही है ये स्पेस, और नीचे का भी स्पेस शो हो रहा है। सो हम अगर मर्ज कर देंगे तो ये स्पेस को खुद ही एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ये करने के बाद हम आएंगे स्ट्रोक्स में, ब्रशेज़ में, ठीक है। और हमारे पास जो ये हमने एक रॉप शेप बनाई, इस शेप को हम यहाँ ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ड्रैग करने के बाद हम ये न्यू टैब ओपन हो रहा है और ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा ब्रश चाहिए, स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश या पैटर्न ब्रश। हमें सिंपली पैटर्न ब्रश चाहिए, सो हम पैटर्न ब्रश पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये हमसे ब्रश का नाम पूछ रहा है, ठीक है। जो भी आपको ब्रश का नाम है अगर आप देना चाहें सो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई इशू नहीं। यहाँ हमारे पास जो उसका मैथड है कलराइजेशन का, यहाँ टेंट का रखना है हमें, ठीक है, ताकि हम इसमें कलर्स वगैरह अगर करना चाहें वो भी हो सकते हैं। टिंट को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जो फर्स्ट वाला है हमारा बस, इसमें देखिए कि स्लाइस है, सेंटर है और ये सब है, इन सब को हम नन कर देंगे। यहाँ से नन को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ब्रश ऐड हो चुका है, पैटर्न का जो ब्रश है। अब अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर दें या इसको रखना चाहें तो आप इसको साइड एरिया में किसी भी एरिया पे आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो रिमूव कर दे सिंपल ये, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे ब्रश टूल, यहाँ से हमारे पास ये है पेंट ब्रश टूल। आप सिंपल शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं बी का, और अब हम कुछ भी बनाएंगे सो अब ये देखिए हमारे पास ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये ब्रश सेलेक्टेड है। सो अब ये देखिए हम इस तरीके से कोई भी रॉप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस रॉप को हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब हमें कोई कलर वाली रॉप बनानी है फॉर एग्जांपल, सो हम अगेन वही मेथड अप्लाई करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे यहाँ पे जैसे कि हमने पहले बनाया था, ठीक है। और रेक्टेंगल बनाने के बाद हम इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं, आउटलाइन पे भी कोई कलर रख लेते हैं, या आउटलाइन पे नहीं रखते तो जस्ट हम इस वक्त जो है आउटलाइन इसको ऑफ करते हैं और फिल में हम कोई भी कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कोई लाइट सा कलर हो। ठीक है, हम ये कलर यूज़ कर लेते हैं और हम आएंगे यहाँ पे अपेरेंस में। अपेरेंस में हमारे पास इसका स्ट्रोक इस वक्त नहीं है सो हम इसका स्ट्रोक यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रोक इसको फ़िलहाल इसका बढ़ा रहा हूँ, अराउंड 30 पिक्सल्स मैंने रखा है, ठीक है। और हम एक न्यू स्ट्रोक इसमें ऐड करेंगे, आप थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी ऐड न्यू स्ट्रोक ऐड होगा और यहाँ से भी ये आपके पास एक रेक्टेंगल शो हो रहा है, इस पर भी आप जैसे ही माउस लेके आएंगे ऐड न्यू स्ट्रोक यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास न्यू स्ट्रोक ऐड हुआ है
सो इसका स्ट्रोक हम बढ़ा देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर हम येलो कर देते हैं, इसको हम अराउंड 50 रख लेते हैं, ठीक है। और इसका कलर ऑरेंज है, इसको हम चेंज करके ऑरेंज की जगह हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप फिल का कलर भी चेंज करना चाहें तो आप फिल का कलर भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से भी स्वेचेस में से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। थोड़ी ऑरेंज की ट्यून हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है, ये कुछ बेहतर लग रहा है। सो अब हम डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेंगे और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को, इन दो को सेलेक्ट करके सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, इसको पूरा कर्व करेंगे जब तक के रेड लाइंस इसमें शो ना हो जाए। जहाँ पे रेड लाइन शो हो जाएगी वहाँ पे आप माउस का बटन रिलीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। माउस का बटन रिलीज़ करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ईच, और यहाँ से प्रीव्यू ऑलरेडी ऑन है मेरे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद ओके। अभी हमारे पास 45 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। अब हम यहाँ से व्यू में आएंगे, आउटलाइन से इसका आउटलाइन मोड ऑन करेंगे और इसको जूम इन करके इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, ठीक है, जो कि इसके साथ इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब बिल्कुल ज्वाइंट हो जाए, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद हम रेक्टेंगल लेंगे और जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था सेंटर से यूँ करके बनाया था, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल यहाँ से एक सेलेक्शन लीजिए यहाँ तक, लेकिन इतनी सेलेक्शन लेनी है कि आपके जो दोनों, मतलब ये जो रॉब के शेप्स है ये इसमें कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसका प्रीव्यू मोड ऑन करेंगे, ठीक है, आउटलाइन मोड इसका ऑफ कर देंगे और इन सब को सेलेक्ट करेंगे। सबको सेलेक्ट करने के बाद मेक क्लिपिंग मास्क हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, मेक क्लिपिंग मास्क ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट से नहीं करना चाह रहे तो आप राइट क्लिक करके भी मेक क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने देखी मेक क्लिपिंग मास्क के, सो हमारे पास ये एरिया थोड़ा सा इसमें से क्रॉप हो गया, सो मैं अंडू कर रहा हूँ और ये जो हमारे पास शेप हमने बनाया था, एक स्क्वायर जो बनाया था, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूँ, सही, दोनों साइड से, दोनों साइड से मैंने स्पेस बढ़ाया, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग किया और अब सबकी सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, सो मैं इसको क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास क्लिपिंग मास्क हो चुका है। अब हम इसके बाद आएंगे ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड अपीयरेंस, और दोबारा हम आएंगे एक्सपेंड ऑब्जेक्ट में ही, दोबारा हम एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद पाथ फाइंडर में आएंगे, पाथ फाइंडर में हमारे पास होगा मर्ज, मर्ज करेंगे, ये इसकी सिलेक्शन यहाँ हो गई, ठीक है। अब हम इसको साइज़ में रिड्यूस कर देंगे क्योंकि ये साइज़ हमने बहुत बड़ा रखा था, सो हम इसका साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा रखेंगे। उसके बाद हम ब्रशेज़ ऑन करेंगे और इसे ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे, ठीक है। हमें अगेन पैटर्न ब्रश सेलेक्ट करना है, पैटर्न ब्रश, ओके। अब जो फाइल नेम है वो पैटर्न ब्रश 2 हो गया क्योंकि फर्स्ट वाला हमारे पास ये था विदाउट कलर, जो ब्लैक कलर में था, और जो सेकंड वाला ये हमारा कलरफुल है, ठीक है। इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करनी, हमने ब्लैक के लिए टिंट सेलेक्ट किया था कि हमारे पास कोई भी कलर नहीं होगा सो हम टिंट सेलेक्ट करेंगे, और अगर कोई कलर वाइज होगा तो हम इसको नन रखेंगे और सिंपली ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद इस ब्रश को भी, मतलब इस पैटर्न को भी हम साइड पर रख लेते हैं और यहाँ से पेंट ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और फिर हम ड्रैग करके इस तरीके से रॉब बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसा कि रॉप में हमेशा आपने देखा होगा एक शेप सी बनी होती है, एक गिठान सा लगा होता है, अगर आप वो बनाना चाहें वो भी बन सकती है इसमें से, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो आपको कर्वट से टूल से थोड़ी सी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम, अब जैसे देखो मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ उसमें, एक मिनट, ये थोड़ी छोटी बन गई है। इस तरीके से रॉप आपने देखा होगा कि रॉप हमेशा इस तरीके से इसमें फिक्स होता है, ठीक है। सो अगर हमें इस तरीके इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद हमारे पास ये पेन टूल के नीचे ही है कर्वेचर टूल, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका पॉइंट यहाँ से हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेते हैं, वो आपको मैन्युअली एडजस्ट करना होगा जिस हिसाब से आप एडजस्टमेंट इसकी चाहते हैं, ठीक है। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं मैन्युअली, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इस पॉइंट्स को भी नीचे ले आते हैं, इस पॉइंट्स को भी नीचे ले आते हैं, ठीक है, ताकि ये रॉप जो है आपस में ना टकराए,
इस पॉइंट को भी नीचे ले आता है और इस पॉइंट को भी। अब इस पॉइंट्स को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। सो हम इस तरीके से अपनी रॉब को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अगर कहीं पे पॉइंट ऐड करने हैं सो वो भी आप सिंपल ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पॉइंट चाहिए, मैं क्लिक करूँगा, पॉइंट ऐड हो गया, ठीक है, ये मैं एंडू कर रहा हूँ। सो हम इस तरीके से रॉब को एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।